आप क्रिप्टो ट्रेडिंग करते हो, फॉरेक्स में काम करते हो या स्टॉक्स में काम करते हो, तो जब भी यूएस सेंट्रल बैंक इंटरेस्ट रेट कम या ज्यादा करता है तो उसका डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मार्केट पे खास असर पड़ता है। तो कितना असर पड़ता है, क्या असर पड़ता है, आज की इस वीडियो में आप इस पर बात करेंगे। और मुख्तसर ये कि आज की जो वीडियो है आप लोगों को इतना एजुकेट जरूर कर देगी कि आप लोग पहले से होने वाली मूव के हवाले से आगाह हो सकेंगे कि अभी जो मूव है वो सेल में जाएगी या बाय में जाएगी। तो इन तमाम चीज़ों को समझने से पहले हमें यह समझना होगा कि इंटरेस्ट रेट होता क्या है, इसे इंक्रीज़ किया क्यों जाता है, इसे इंक्रीज़ करता कौन है, इसके पीछे क्या डिसीजन लिए जाते हैं, FOMC क्या होती है, वगैरह वगैरह। तो सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि इंटरेस्ट रेट होता क्या है। फ़र्ज़ कीजिए कि आपने बैंक से 1000 रुपये का लोन लिया है और बैंक कहता है कि भाई इस लोन की वापस अदायगी तक आपको हर माह 5% हमें पे करना होगा, जो कि 50 रुपये बनता है, और इस 5% को हम कहेंगे इंटरेस्ट रेट, जिसे कम या ज़्यादा किया जाता है। और इसी इंटरेस्ट रेट के कम या ज़्यादा होने से मार्केट पर ख़ास असर पड़ता है। वो क्या असर होता है, उससे समझने से पहले आपको ये जानना है कि भाई ये फैसला करता कौन है कि इंटरेस्ट रेट कम किया जाएगा या ज़्यादा किया जाएगा। तो इसका सीधा सा जवाब है कि हर मुल्क का जो सेंट्रल बैंक होता है वो ये काम करता है कि इंटरेस्ट रेट को कम करना है या ज़्यादा करना है। जैसा कि सेंट्रल बैंक ऑफ पाकिस्तान, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और अमेरिका में सेंट्रल बैंक को फेड कहा जाता है, जो कि फेडरल रिजर्व भी है। जब भी पाकिस्तान, इंडिया या बांग्लादेश का सेंट्रल बैंक इंटरेस्ट रेट को कम या ज़्यादा करता है तो उसका जो असर है अमूमन मुल्क के अंदर ही ज़्यादा दिखाई देता है, बाहर जो है उसका इतना ख़ास असर नहीं हो पाता है। मगर जब भी फेड रिज़र्व, मतलब ये कि सेंट्रल बैंक ऑफ अमेरिका, इंटरेस्ट रेट को कम या ज़्यादा करता है तो उसका असर आप लोगों को इंटरनेशनल मार्केट में भी देखने को मिलता है। अब फेड रिज़र्व का इंटरेस्ट रेट कम या ज़्यादा करने से इंटरनेशनल मार्केट पर असर क्यों पड़ता है, फेड रिज़र्व ये फैसला लेता कैसे है कि भाई कम करना है या ज़्यादा करना है, तो इस चीज़ को जानने के लिए हमें अब FOMC को समझना होगा। FOMC बेसिकली बोलते हैं फेडरल ओपन मार्केट कमेटी को। FOMC बुनियादी तौर पर इकोनॉमिक फैक्टर्स को एनालाइज करते रहते हैं और फिर एक ख़ास वक्त के बाद वो ये डिसीजन देते हैं कि अब इंटरेस्ट रेट कम किया जाएगा या ज़्यादा किया जाएगा। इसी तरह बेरोज़गारी कम हो रही है या ज़्यादा हो रही है, उसके इकॉनमी पर क्या असर पड़ेगा, ये तमाम जो फैसले हैं FOMC लेती है। इन तमाम फैसलों का जो ऐलान है फेड का चेयरमैन करता है, जो कि मिस्टर पॉवल है। यहाँ पर इस बात को भी समझना बहुत ज़रूरी है कि तमाम बिजनेसमैन, ट्रेडर्स US के डाटा पर नज़र क्यों रखते हैं। इसकी जो भाई सबसे बड़ी वजह है वो है ग्लोबल रिज़र्व करेंसी का US डॉलर में होना, जिसे फेड रिज़र्व प्रिंट करता है। और इसीलिए जब इंटरेस्ट रेट कम या ज़्यादा किया जाता है तो उसका जो डायरेक्ट असर होता है, इम्पैक्ट होता है, वो ग्लोबल इकॉनमी पे भी पड़ता है। और यही वजह है कि तमाम बिजनेसमैन, ट्रेडर्स US के डाटा पर नज़र रखते हैं। और अगर आप लोग ये समझना चाहो कि इंटरेस्ट रेट ज़्यादा क्यों किया जाता है तो इसकी वजह होती है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना। अब अगर कोई ये जानना चाहे कि भाई इन्फ्लेशन किसे कहते हैं, इन्फ्लेशन का मतलब होता है अफराते ज़र, अफराद कहते हैं ज़्यादा को, ज़र कहते हैं पैसों को, मतलब ये कि पैसों का मार्केट में बहुत ज़्यादा हो जाना, चीज़ों का महंगा हो जाना और पैसे की वैल्यू का गिर जाना। आपको मिसाल से समझाता हूँ। फर्स्ट कर लीजिए कि आपके मुल्क में सिर्फ 100 रुपये हैं और मार्केट में बिकने के लिए सिर्फ 10 किलो आलू अवेलेबल हैं। 1 किलो आलू की कीमत 10 रुपये है, मतलब ये कि 100 रुपये में आप 10 किलो आलू खरीद सकते हैं। अब होता क्या है कि आपका मुल्क का सेंट्रल बैंक 1000 रुपये प्रिंट करके मार्केट में इंजेक्ट कर देता है और मार्केट में जो टोटल मनी है वो हो जाती है 1100 रुपये, मगर आलू अभी भी 10 किलो ही है। अब इसका नुकसान क्या होगा, जो आलू पहले आपको 10 रुपये किलो मिल रहे थे, अब वही आलू आपको मिलेंगे 100 रुपये किलो। तो इस तरह मार्केट में ज़्यादा पैसा आने की वजह से उसकी वैल्यू गिर गई, चीज़ें महंगी हो गई, और इसी चीज़ को हम बोलते हैं इन्फ्लेशन। बात करते हैं अगर डिफ्लेशन की तो वो इसके बिल्कुल मुतजाद होता है, मतलब ये कि मार्केट से पैसे का कम हो जाना और चीज़ों का असल वैल्यू से भी सस्ता हो जाना, इसे डिफ्लेशन बोला जाता है। अब तक आप लोग डिफ्लेशन को समझ चुके हैं, इन्फ्लेशन को समझ चुके हैं, इंटरेस्ट रेट होता क्या है और इसे इंक्रीज़ कौन करता है। अब अगर हम बात करते हैं US की, कि जब US सेंट्रल बैंक ज़रूरत से ज़्यादा नोट्स प्रिंट कर देता है तो पैसे की वैल्यू गिरने लगती है, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन बढ़ती है और इकॉनमी सफ़र करने लगती है, और कुव्वते ख़रीद कम होने की वजह से लोग ज़रूरत की अशिया भी नहीं खरीद पाते हैं, और इसका असर भूख, बीमारियों से अमवाद, चोरी और दंगा फसाद की सूरत में नज़र आने लगता है। और इन तमाम चीज़ों के पेश नज़र पैसे की वैल्यू को रिस्टोर करने के लिए या फिर इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए फेड या फिर किसी भी मुल्क का सेंट्रल बैंक इंटरेस्ट रेट ज़्यादा कर देता है। मगर हम यहाँ पर US के डाटा को देखने वाले हैं, तो इसलिए आप लोगों ने जहन में जस्ट फेड रखना है। और इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होने से लोग अपना पैसा मार्केट से निकाल कर बैंक्स में डाल देते हैं ताकि इन्हें अच्छा ROI मिल सके। ROI का मतलब होता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट।
अब यहाँ पे जिन लोगों ने अपना पैसा मार्केट से निकाला है, तो वो मार्केट क्या थी? उसमें कुछ बिजनेसेस थे, क्रिप्टो था, फॉरेक्स था, स्टॉक्स था। तो जब पैसा मार्केट से निकलेगा, बैंक्स में जाएगा, तो डेफिनेटली मार्केट में आप लोगों को एक शार्प जो मूव है वो डाउनवर्ड दिखाई देगी। और यही वजह है कि जब भी फेड इंटरेस्ट रेट बढ़ाता है तो आपको क्रिप्टो करेंसी, फॉरेक्स या स्टॉक्स में एक डाउनवर्ड शार्प मूव देखने को मिलती है। आई बिलीव यहाँ तक आप इस बात को समझ चुके होंगे। अब अगर हम बात करें कि इंटरेस्ट रेट कम क्यों किया जाता है, तो इसी तरह जब इन्फ्लेशन ज़रूरत से ज़्यादा कम हो रही होती है, या फिर ये समझ लो कि डिफ्लेशन का पीरियड चल रहा होता है, तो सेंट्रल बैंक इंटरेस्ट रेट कम कर देता है ताकि बैंक से पैसा निकल कर मार्केट में आए और सिस्टम को बैलेंस किया जाए। अब जब पैसा बैंक से निकल कर मार्केट में आएगा तो डेफिनेटली कुछ बिजनेसेस में इन्वेस्ट होगा, क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट होगा, फॉरेक्स में इन्वेस्ट होगा, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट होगा, और फिर हमें एक अपवर्ड मूव देखने को मिलेगी। अब अगर हम इसका खुलासा करें तो इंटरेस्ट रेट का ज़्यादा होना इन्फ्लेशन को कंट्रोल तो करता है, मगर फॉरेक्स में, क्रिप्टो में, स्टॉक्स में आप लोगों को एक डाउनवर्ड मूव देखने को मिलती है। और इसी तरीक़ाकार से इंटरेस्ट रेट का कम होना मार्केट में अपवर्ड मूव का बायस बनता है। अब हमें सिर्फ ये जानना है कि भाई हमें ये पता कहाँ से लगे कि इंटरेस्ट रेट कम हुआ है या ज़्यादा हुआ है। तो इसके लिए हमारे पास में ये दो वेबसाइट्स हैं। investing.com पे आपको डाटा के हवाले से न्यूज़ तो मिलती है, मगर इसी के साथ में investing.com पे आप लोगों को किसी भी ट्रेडिंग पेयर के जो है ट्रेडिंग सिग्नल्स है वो भी मिलते हैं। जैसे कि मेरे पास में इस वक्त में ये बिटकॉइन है। बिटकॉइन के हवाले से आपको 5 मिनट से लेकर मंथली लेवल तक बाय और सेल के ये सिग्नल्स देता है, और ये तमाम चीज़ें फ्री में हैं। अब आप लोगों ने इन सिग्नल्स को कैसे यूज़ करना होता है, इसकी मुकम्मल सेटिंग क्या है, उसके लिए मैं ऑलरेडी डिटेल वीडियो बना चुका हूँ, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। अगर हम बात करते हैं यहाँ से डाटा को चेक करने की, तो यहाँ पे आप लोगों ने सबसे पहले आकर इकोनॉमिक कैलेंडर का ये ऑप्शन है, इस पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको येस्टरडे, टुडे, टुमारो, दिस वीक और नेक्स्ट वीक का ऑप्शन मिलता है। आप यहाँ से जिस भी डेट का डाटा देखना चाहें उसको ऑप्शन यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर आकर आपको 3 ऑप्शन मिलते हैं, एक्चुअल, फॉरकास्ट और प्रीवियस। जब भी आपको एक्चुअल प्रीवियस से इंक्रीज़ हुआ हुआ नज़र आए, इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पे जो रेट है वो इंक्रीज़ हुआ है। अगर प्रीवियस से कम नज़र आए, इसका मतलब है डिक्रीज़ हुआ है। इसी तरीक़ाकार से आप लोग यहाँ पे आकर अनएम्प्लॉयमेंट का रेट चेक कर सकते हैं, इंटरेस्ट रेट वगैरह चेक कर सकते हैं। इसके हवाले से भी अगर आपको समझ नहीं आए, इसके ऊपर मैंने डिटेल वीडियो बनाई है, जिसका लिंक आप लोगों को मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। इसी चीज़ को चेक करने के लिए आप लोग ट्रेडिंग इकोनॉमिक्स पर भी आ सकते हैं। यहाँ पे आने के बाद आप सिंपल कैलेंडर पे क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पे आपको ये इम्पैक्ट का ऑप्शन मिलता है। अपने यहाँ से जो 3 स्टार है उसे सिलेक्ट करना है, मतलब ये कि हम यहाँ पे जो भी डाटा देखने वाले हैं वो हाई लेवल का देखने वाले हैं, लो डाटा सामने यहाँ पे नहीं रखने हैं। कंट्रीज़ में आएंगे, तमाम कंट्रीज़ को सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, जिन जिन कंट्रीज़ का आप लोग डाटा देखना चाहते हैं उसे यहाँ से आप लोग सिलेक्ट कर लेते हैं। अब अगर आप लोग यहाँ पे देखो तो आपको एक्चुअल, फॉरकास्ट और प्रीवियस इन तीनों को ही फॉलो करना है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, अगर आपका एक्चुअल प्रीवियस से ज़्यादा आ जाता है तो इसका मतलब ये होता है कि रेट इंक्रीज़ हो गया। अगर प्रीवियस से एक्चुअल कम आ जाता है तो इसका मतलब होता है कि डिक्रीज़ हो चुका है। किसी भी किस्म की कन्फ्यूजन हो, अगर आप लोगों को फिर भी समझ ना आए कि इस डाटा को कैसे चेक करना है, तो आप लोग मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आप लोगों को एक फ्रेश वीडियो बनाकर दे दूँगा। अलबत्ता एक ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। अगर इस वीडियो में कोई कमी रह गई है, कुछ और जानना चाहते हैं, हमें कमेंट करके लाजमी बताएं, सो दैट हम आप लोगों के लिए कुछ ऐसे ही कंटेंट लेकर आते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इजाज़त दीजिए, ख्याल रखिए, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।